Please subscribe our channel Quest India and press bell icon for all notification. नमस्कार, मैं डॉक्टर दलवीर सिंह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, डाइट के अंदर एक फेयरवेल पार्टी का प्रोग्राम हुआ, उसके अंदर स्टूडेंट ने बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया, बहुत ही अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया। मुझे भी उसके अंदर कुछ बोलने का मौका मिला, आइए उसकी एक झलक आपको भी दिखा देते हैं और उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। और मैं आपको कुछ चीजें वो बताना चाहता हूं कि वास्तव में हम जिस चीज के लिए अपॉइंट हुए, हम टीचिंग के लिए अपॉइंट हुए, तो कई बार यहाँ पे डाइट मारने के बाद मैंने महसूस किया और अपने आप को लाचार पाया कि हम पूरे दिन के अंदर एक लेक्चर भी हमें नहीं मिला। कई बार तो ऐसा हुआ कि सुबह आए और शाम तक मैं पेड़ लूंगा कंपटीशन में छूट ही जाता है। परंतु वास्तव में यदि एक दिन भी एक पेड़ नहीं मिलता तो थोड़ा सा दिल में बेचैनी मेरे जरूर होती है, बाकी का पता नहीं। तो ये लगता है कि जैसे कुछ आज बताया ही नहीं। तो हम इस फील्ड से हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग टीचर बनने के लिए हैं, डीबीटी का मतलब ही यही है। हो सकता है आप किसी भी अलग फील्ड में जाएं, हो सकता है आप बहुत अच्छे चले जाएं, कुछ हो सकता है फर्स्ट क्लास ऑफिसर हो, कुछ और मल्टीनेशनल कंपनी में पहुंच जाएं, परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि आप कहीं भी टीचर बने तो प्लीज आप इस बात को देखिए कि आप बाय चांस वाले टीचर बन के मत जाइएगा, आप बाय चॉइस वाले टीचर बन के जाइएगा। और आप इस बात को जरूर याद रखें, अपने जहन में रखें कि आप टीचर हैं तो ये माना जाता है कि भगवान के अवतार हैं आप, और उस अवतार के फर्ज को पूरा निभाइएगा ताकि कहीं भी कोई भी आपसे कुछ पूछने आए, कुछ मांगने आए, एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो आप जरूर उसकी सहायता कीजिएगा। इसके साथ मैं दो बातें और बताता हूँ आपको। देखिए, आप हो सकता है कि आप प्रोफेशनल बहुत ज्यादा हो जाएं, किसी कोचिंग सेंटर में हो, या फिर हो सकता है आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में पहुंच जाएं जहां आप फीस बहुत ज्यादा लेते हो, परंतु एक समाज सेवा जरूर कीजिएगा। और वो समाज सेवा क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि धन दौलत ही समाज सेवा है। आपके पास जो कुछ है उसके साथ आप समाज सेवा कर सकते हैं। यदि आप एजुकेशन है, यदि आप लेक्चर दे सकते हैं, यदि किसी बच्चे को बता सकते हैं, यदि किसी के भाग्य को आप सुधार सकते हैं या किसी की किस्मत को बदल सकते हैं सिर्फ आप एजुकेशन के माध्यम से, तो उसके प्रति आप ध्यान दीजिएगा कि फ्री में आप कहीं गरीबों को या किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी भी संस्था के साथ जुड़कर आप कुछ गरीब लोगों का भला जरूर कीजिएगा जिनको जरूरत है, जिनको वास्तव में एजुकेशन की कदर है, उनके लिए आप थोड़ा सा समय जरूर निकालिएगा। मैं पैसे की बात नहीं करता, मैं समय की बात कर रहा हूँ कि उन लोगों के लिए भी समय निकालिएगा जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जो वास्तव में एजुकेशन लेना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं शब्दों को विराम दूंगा कि आप बाय चॉइस टीचर बनिएगा, बाय चांस टीचर मत बनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।